नमस्कार, मैं अनुभव। आज हम पहुंचे हैं अलवर के कठुमर विधानसभा। बता दें यहाँ कांग्रेस के बाबूलाल विधायक हैं। यहाँ मौजूद लोगों से बात करेंगे और जानेंगे यहाँ जनता का मिजाज क्या है। इस बार किसकी सरकार राजस्थान में? राजस्थान में बीजेपी की सरकार आने की पूरी संभावना है, लेकिन आपके यहाँ तो कांग्रेस के विधायक हैं। कांग्रेस के विधायक तो हैं यहाँ से, पर वो इतना है कि यहाँ बढ़िया काम बीजेपी कर रही है, मोदी जी को देख रहे हैं लोग बाग। लेकिन आपके यहाँ काम नहीं हुआ आपके विधानसभा में? नहीं, कार्य तो ऐसा ही हुआ, पर कार्य कुछ इतना संतोषजनक नहीं है यहाँ पर। मतलब क्या कार्य चाहते थे विधायक से जो नहीं हुआ आपके क्षेत्र में? स्कूल शिक्षा के लिए है, हॉस्पिटल बना या नहीं बना कुछ इस विधानसभा इस चुनाव में? अब स्कूल तो कॉलेज तो हुआ है यहाँ पे, कॉलेज हुआ है यहाँ पर। उसके बाद फिर नाराजगी किस बात से है कांग्रेस से? नहीं, यहाँ पर क्या है, जैसे एक तो ये नाली और नाले वाले साफ नहीं होते हैं, यहाँ पर पानी भरा रहता है ये लक्ष्मणगढ़ बस स्टैंड पर। हाँ, ये और क्या है, अब यहाँ तो बीजेपी से यहाँ रमेश की थी कोई टिकट मिले यही उम्मीद। इस बार किसकी सरकार राजस्थान ला रहे हैं? राजस्थान में तो बीजेपी की सरकार आनी चाहिए। कांग्रेस ने अच्छा काम किया? कोई काम अच्छा नहीं किया इसने। क्या काम नहीं हुआ? नहीं, गुंडागर्दी और लुटेरे चोरी चकोरी ये सारे काम हो रहे हैं, इनके दलाल पारे हुए हैं इसके, और ये बहुत ज़्यादा मतलब ये खतरनाक साबित हो रहा है। एक एक ट्रांसफर पे मतलब ये 3-3 लाख रुपया लेके ना यहाँ सर्विस में लगा हुए लोगों ने ट्रांसफर के लिए 3-3 लाख रुपया, और मास्टरों के ट्रांसफर के लिए 5-5 लाख रुपया। और शिकायत नहीं की गई? शिकायत नहीं दर्ज हुआ इस पर? शिकायत खूब दर्ज हो, पर कौन शिकायत करे, कौन अपने अपने कामन के मारे कोई ना करे। कोई सर्विस से आनो चाहे बाप यहाँ आनो चाहे कोई जैसे ML के थ्रू आवे तो बाकी डिजायर पे ही मतलब 3 लाख और 2 लाख और इतने कम ना ले और 1 महीना पीछे केक लगा दे। बिजली का बिल तो किसानों के लिए माफ़ कर दिया है, बिजली का बिल अच्छी ना करो, मतलब ये 100 यूनिट पे गए जाको मतलब ये आ जाओ यानी पता ना, पर हमारे तो सर घर को मतलब वही आ रहा है और दुकानों को वही किराया आ रहा है। बिजली का बिल कितना आ रहा है? हमारा तो 1300 है घर को। 1300? हाँ। चलिए, और भी कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे किसकी सरकार ला रहा है इस बार राजस्थान में? इनसे बात करो। अच्छा, ये नहीं बात करेंगे, किसकी सरकार ला रहा है इस बार? भैया जोन सो काम करा को भाई की सरकार आ जाए, हम तो जाते तो बस परेशान है। इस सरकार से परेशान है? हाँ, बिल्कुल परेशान। सरकार ने इतनी सारी योजनाएं दी हैं, ये आप लोगों को लाभ मिला है कि नहीं? कांग्रेस सरकार ने इतनी सारी योजनाएं दी हैं, आप बताओ कुछ तो बोलो, फिर 5 साल बाद मौका मिलेगा, कुछ तो बोलो। बताओ। देखो जी, कांग्रेस में एक तो भाई भतीजा बात पनप्यो है, दूसरी बात जितने अधिकारी कर्मचारी हैं तबादले करो, 5 लाख लो 2 लाख लो, तू आ जा तू चले जा, ये रही है कांग्रेस में परिवारवाद चल रहा है। परिवारवाद, और कांग्रेस ने भ्रष्टाचारी अधिक पनपाई है, जो कार्यकर्ता कांग्रेस का है बीजेपी में तो मेरा है, जो न्यू कही 4 लाख होता है जाएंगे, मैं 1.5 लाख दे दिए, मैं क्या सुख को कह कर बाबा मानसर और धौलपुर, देखो धौलपुर भरतपुर तो गांव सामे ही है, 3 गांव सुख कितने वोट दबाई, 3 तहसील सुख कितनी दबाई, और 1.5 लाख रुपए दे काम नहीं हुआ ना लीने ही ना, देखो 5 चाहिए हमको, हम तो 18 साल से जो स्टे के नौ जिले हैं स्टे के उनने लाएंगा छोट छोरान ने जो अड़ान का 5-5 लाख देंगे, हम तो हम से मुँह उड़का ही मारे। शिकायत नहीं दर्ज की? शिकायत की? शिकायत कौन करा, हमारा ना हो तो धौलपुर नियत हम मास्टर हत्या मारो कुआ हम घर बांधने के मत कर सुधर ना करे तो दबंगई भी चल रही है चलेगी और शिकायत दर्ज कराएंगे तो मार देंगे हे काय को हमको कहा मतलब हो जू ना कर कुआ हम घर सुधर। अशोक गहलोत ने इतना काम किया, अशोक गहलोत कह रहे हैं कि बुजुर्गों के लिए IRCTC में दे रहे हैं, सबको ऑफर दे रहे हैं, कार्ड बन चुको है चिड़ियाबाड़ चुको है वोट हत्या के कुछ भी नहीं है कांग्रेस पे, सरकार बीजेपी की आएगी। आपके विधानसभा में काम नहीं हुआ है? एक कामन को कहा बने साबू तो सचिन की लड़ाई थे ने का लूट मची है सचिन की, इनकी चली मुख्यमंत्री ने और शिक्षा मंत्री ने, मुख्यमंत्री चेहरा कांग्रेस में सचिन पायलट ज्यादा अच्छा है या अशोक गहलोत? पायलट चोख है वित्तो गहलोत वित्तो। हाँ, क्या कह रहे बीजेपी की सरकार चाहिए हमें गहलोत और बात मतलब ना खूब लूट। बीजेपी में मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे होनी चाहिए, बाकी बालक ना तो दिया कुमारी
अब आप वो जो पार्टी करेगी तो वो सिरोधारी है आपके यहाँ विधानसभा से, तो बालकनाथ मतलब यहाँ लोकसभा से जहाँ से सांसद है। हाँ सामने क्यों सांसद काम नहीं किए? सांसद ने काम किए पर वो वाई क्षेत्र में करें, अपने यहाँ तो नंबर ही ना आया भाई। यहाँ नंबर नहीं है अभी? ना यहाँ नंबर ना है कोई। अगली बार नंबर आएगा क्या करे? हमारे रंजीता कोहली है यहाँ की सांसद, उसने कुछ भी काम नहीं किया है, कोई काम नहीं हुआ। आप किसकी सरकार पसंद कर रहे हो राजस्थान में? राजस्थान में बीजेपी की सरकार होनी चाहिए। कांग्रेस से? कांग्रेस इतना सारा काम तो किया। कांग्रेस तो कोई सरकार ही नहीं है, भ्रष्टाचार है कांग्रेस में तो। भ्रष्टाचार है? और बीजेपी में भ्रष्टाचार नहीं है? बीजेपी में नहीं है। और हमारे यहाँ कठुमर में अगर रमेश खेची को टिकट मिला तो बीजेपी तो ही जीतेगी यहाँ से। अच्छा किसी और को मिला फिर? और को मिले तो कांग्रेस जीतेगी। रमेश खेची को अगर टिकट नहीं मिला, अन्य किसी जाति किसी को मिला तो भारी वोटिंग तो पटेगा। कांग्रेस की वोटिंग ने सातों कौम की ने पकड़ा है, और पकड़ते ही पंच बने, पकड़ते ही बने सरपंच, थोड़ी कमती बढ़ती लिए, और एमएलए एमपी बने तो जब खून की वोट ना मिलेंगी तो बनेगो कैसे? इस विधानसभा में सब गुज्जर जाट लोग ज्यादा हैं, तो सचिन पायलट का कुछ नाम है या नहीं है इधर? अब सचिन ने हम मतलब नारायण साहब कांग्रेस तो नहीं आवे ना, बदलाव आवेगो आएगा नहीं? बीजेपी आएगी कन्फर्म है राजस्थान में, राजस्थान में बीजेपी आएगी। क्या कर रहे हो सर? अरे कुछ तो बोलो। कुछ कहा बोला है? किसकी सरकार ला रहे हो? हम बीजेपी की आम नहीं चाहिए। कांग्रेस ने तो काम किया बुजुर्गों के लिए खूब सारा। अरे कछु यहाँ कह दो, कुछ नहीं किया। मैं कांग्रेसी हूं, मैं बीजेपी में। पहले कांग्रेसी पैर भाग वोट दी मैंने। क्या कह रहे? 2-2 लाख करिए, जो जीत जाऊंगा जब 2-2 लाख दे दूंगा। नहीं दिया 2 लाख रुपए? आपको देने की बात कही थी। हाँ सबको। हाँ आप क्यों बीजेपी में आ गए कांग्रेस से? आप 4-4 लाख रुपए मांगे तो खुद को एमएलए को हमने कार्यकर्ता को 4 लाख को दंड दियो सम्मान में। मास्टर को देखो हम पर 4 लाख में ना करें हम तो 4 लाख काहे बात के ले रहे थे? तबाल लेके धौलपुर से कठुमर लावे के छोरा मास्टर देने के लिए 4 लाख रुपए? 4 लाख। इस बार किसकी सरकार ला रहा राजस्थान में? बीजेपी। क्यों कांग्रेस से क्या नाराजगी है? कांग्रेस ने युवाओं को इतना काम दिया। सब नाराजगी है, बीजेपी आएगी अब। नाराजगी की वजह तो बताओ। नाराजगी क्या है? आपके विधानसभा में काम नहीं हुआ? नहीं हुआ, काम नहीं हुआ। क्या काम चाहते? जातिवाद हुआ है इसमें, जातिवाद हुआ है, जातिवाद। आपके तो गुज्जर और जाट इन लोगों की ज्यादा बिरादरी है। जातिवाद करता है बाबूलाल बैरवा, कहता है मेरी 45,000 वोट जाटव समाज देता है, बाकी किसी काम नहीं करता। नहीं करता, नहीं करता। क्या था? किसकी सरकार ला रहे हो इस बार? बीजेपी की। कब? बीजेपी कांग्रेस नहीं? नहीं कांग्रेस से काला लेना। आपके विधानसभा में कांग्रेस है, बगल के विधानसभा में कांग्रेस है। हाँ काम नहीं किया इन्होंने? काम से क्या मतलब है? अब नहीं काम चलता है। काम से मतलब नहीं, फिर किससे मतलब है? बीजेपी आनी चाहिए अब तो। अरे तो काम से काम ही तो करेगी ना, कोई सरकार आएगी तो काम करेगी। अरे लूट करने यार किसी आदमी को भगा रहा है, किसी आदमी दो करो भगा रहा है यार, बस इसी बात से नाराजगी। हाँ नाराजगी के नहीं है, बाकी योजनाओं का लाभ तो मिला है ना? नहीं नहीं नहीं, बूढ़ा योजना है, चिरंजीवी योजना है। अरे कुछ योजना मर गई योजना, हमको हमको नहीं, हमको पैसा तो क्या लेना, हमको तो बीजेपी आनी चाहिए इसे। कोई क्या कह रहे हो? अरे पैसा ने पहले मतलब पूरी पूरी चेकअप करा लें, जब तो मतलब ये बात को लाभ मिले हॉस्पिटल को, एक ऑपरेशन फ्री है और कहाँ फ्री है हम, बाकी तो चेकअप वेकअप पैसा लग रहा है। मतलब ये किट जरूर बांटी, जिनमें नकली नमक, नकली मिर्च, नकली सब सामान, और तो कोई ऐसा है ना, ये तो लाभ खूब दे रहा है और कुछ नहीं। बाकी अगर बुजुर्गों के लिए बात करें तो मतलब ये लोन माफ कर ना, को लोन माफ कर, लोन माफ नहीं हुआ, कोई लोन माफ नहीं हुआ। बिजली फ्री दे रहे ना, बाकी तो बिजली तो फ्री दे रहे ना। अरे बिजली फ्री दे रहे हो पर मतलब कोई यूं ही पता ना पड़ रहा है, 1,000 यूनिट दे रहे हो, कितने दे रहे हो, 100 दे रहे हो, सर बिल तो हमारे बाका दे थे कई यार, जो पहले आ रहे थे कई, हम तो दोनों मतलब कर रहे हैं। राहुल गांधी तो कह रहे हैं हमारी सरकार आएगी तो किसानों के लिए खूब सारा काम करेगी। 2 घंटा मतलब झूठ बोला, 3 दिन में मतलब वायदा करे, 3 दिन में लोन माफ है जाएंगे, आज तक ना हुए। तो भारत जोड़ो यात्रा निकाले, किसानों के लिए बहुत सारी योजनाओं की बात कर रहे थे। योजना तो मतलब अब गल्लेन कर दी नहीं है, पर वे सब मतलब ये कहा जब आप धरातल पे रह जाए, चल चले ना है मतलब ये बस्तर दिन में बंद रह जाए। धरातल पे नहीं आए? धरातल पर नहीं उतरे। ऐसे ही सभी विधानसभाओं के बारे में आपको बताते रहेंगे, सभी विधानसभाओं की जानकारी देखने के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।